किसानों के खेती में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी के नेतृत्व में झंडा चौक पर विगत 3 दिनों से धरना और भूख हड़ताल जारी थी, जो आज शनिवार को समाप्त हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा सिंचाई परियोजना को लेकर जो DPR सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है वह पूर्ण रूप से फर्जी होकर अधिकृत नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने में नंबर वन है। श्री वर्मा ने कहा कि किसानों के पक्ष में खेतों में सिंचाई को लेकर कांग्रेस द्वारा 3 दिन का धरना और भूख हड़ताल का यह पहला आंदोलन था। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई। इसी के साथ चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। तो मैंने कहा था भैया ऐसी DPR तो कोई भी बना के दे देगा, SDO के साइन है उसके ऊपर, और सीधा SDO के साइन से उन्होंने बोल दिया कि हमने योजना लागू कर दी। DPR बनी है, डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, और DPR का मतलब ये होता है कि अभी और तत्काल मेरे पास सरपंच संघ के अध्यक्ष अनिल भोरी बैठे हुए थे। मैंने कहा अनिल भाई सरपंच है हमारे, इन्होंने 2 करोड़ की DPR बना के रखी हुई है। आलिशान भाई आपके पास भी नगर पंचायत कई DPR बनी होंगी। योजना लागू होना और उसके लिए TS पास होना, उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति AS होना, वो बताओ तो हम मान जाएंगे। मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा कि मैं यहाँ भूखा बैठूं, लेकिन ये दर्द हमारे क्षेत्र का, ये पीड़ा हमारे क्षेत्र की, ये नर्मदा जी का। तारी से लड़ने वाले जाबाज तरीके से खाते गांव कन्नौज के लोगों के हौसले बुलंद करने वाले, अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले भाई मनीष चौधरी जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अशोक पटेल जी, हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज राजानी जी, ओम भाई कैलाश भैया, नाम अपन ज्यादा नहीं ले, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों, मेरे साथियों और दोस्तों, साथियों। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।